दोस्तों, गौतम से होके आने के बाद जहाँ पर आपने देखा कि महाभारत की शूटिंग किस किस जगह पे हुई थी और कौन सा वो सेट था, और अब मैं आ गया हूँ उस जगह पे जहाँ पे बॉलीवुड की या बोला जाए तेलुगु की एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर शूट हुई थी और उसको हिंदी में भी डब किया गया था। सो मैं हूँ उस फिल्म के सेट पे और अभी आप वही सेट अपनी आंखों के सामने देखने जा रहे हैं, शायद जिसको देखने के बाद आपने बहुत ज़्यादा सीटियां बजाई होंगी थिएटर में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं सामने, ये वही सिंहासन है जहाँ से राजमाता शिवगामी देवी बाहुबली को राजा घोषित करती हैं, या जो मेजरली जो सीन शूट हुए हैं बाहुबली के वो सारे इसी पूरे जो सेट है इसी में शूट हुए हैं। ये देखिए वो हॉर्सेस जो सबसे स्टार्ट में दिखाए जाते हैं, पूरा वही सेट है, एग्जैक्टली वही सेट है। अब देखिए वो है पूरा सिंहासन वाला एरिया जहाँ से खड़े होकर वो बोलते हैं हमेशा, चाहे बाहुबली राजा बन के बैठा हो चाहे शिवगामी देवी ने। और यह है वो रथ जिसको भल्लाल देव चलाता है जब वो कालकिया की सेना पे आक्रमण करने जाते हैं। और यह है उसके आगे का वो पोर्शन जिससे जो आगे ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। ये वो एरिया है जो बाहुबली द बिगिनिंग के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जहाँ पर भल्लाल देव एक बैल से लड़ रहा होता है। सी ये वो जगह है जहाँ पे आपने देखा होगा बाहुबली की जो सेकंड पार्ट है उसमें बाहुबली या उसका बेटा भल्लाल देव को जला देता है लास्ट में। सो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर देवसेना को कैद करके रखा गया था। हाँ जी, ये वही जेल है जो कि आपने मूवी में देखी भी होगी जहाँ पे देवसेना को जंजीरों से बांध के रखा गया होता है, और आई होप अब आपको वो याद भी आ गया होगा। और दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस सेट की ये लगी कि यहाँ पे सब कुछ इन प्लेस है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है, कुछ भी इधर उधर नहीं हुआ है। तो आप जब जाएंगे और देखेंगे तो आपको भी ये चीज़ समझ में आएगी। और अब इस समय जो आप देख रहे हैं ये वही देवी हैं जिनके सामने युद्ध करने जाने से पहले भल्लाल देव ने और बाहुबली ने बलि चढ़ाई। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं और देखते हैं वो जगह जहां पर बाहुबली मूवी में जो फाइट सीन था, जो युद्ध वाला सीन था, उसमें जितने भी हथियार यूज़ किए गए थे जो कि बाहुबली की आर्मी ने या भल्लाल देव की आर्मी ने जो यूज़ करा था, वो सारे हथियार यहां पर रखे हुए हैं। आप उनको यूज़ करके भी देख सकते हैं। जैसे कि इस समय जो आप देख रहे हैं ये वो है जिससे कि एक के बाद एक के बाद एक तीर निकलते हैं, और यहाँ पर वो रखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट जिससे कि भल्लाल देव देखता है कि हाँ बाहुबली आ रहा है, वो वाला एक टेलीस्कोप टाइप का जो था वो है यहाँ पर। और
और यहीं पर पीछे भल्लाल देव का वो चैरियट भी रखा हुआ है जिसपे बैठ के वो युद्ध के लिए जाता है। और दोस्तों अब आप वो जगह देखने जा रहे हैं जहां पर बाहुबली द कॉन्क्लूजन का लास्ट फाइटिंग सीन होता है बाहुबली और भल्लाल देव के बीच में, जहां पर फाइनली बाहुबली अपना वो खून से भरा हुआ हाथ शिवलिंग के ऊपर रखता है और उसके बाद ही वो भल्लाल देव को मारता है। और अगर आपने मूवी ध्यान से देखी होगी तो देखिए यही वो शिवलिंग है जिसपे वो हाथ रखता है। सो दोस्तों ये है बाहुबली दरबार रेस्टोरेंट और यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी, बाहुबली बिरयानी चैलेंज की। अगर आप बाहुबली बिरयानी चैलेंज लेते हैं और वो बिरयानी खाते हैं तो आपका पूरा मील फ्री होगा, साथ में आपको बाहुबली की मर्चेंडाइज मिलेगी, प्लस बाहुबली वॉल ऑफ फेम में आपकी फ़ोटो भी लगेगी। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये बाहुबली वॉल ऑफ फेम है, या आप बोल सकते हैं आप यहाँ पे बैठ के फ़ोटोज आपकी क्लिक होंगी और फिर वो वॉल ऑफ फेम में, ये देखिए ये है बाहुबली वॉल ऑफ फेम है, यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगेगी। ये सारी ड्रेस जो है या जो बोलते हैं पूरा अटायर है बाहुबली का, जो बाहुबली ने पहना था वो पहना के आपको यहाँ फ़ोटो ली जाएगी और वॉल ऑफ फेम में लगाई जाएगी। तो आप यहाँ पर आकर अगर आप कर सकते हैं तो आप बाहुबली चैलेंज ज़रूर लें और ट्राई करें। सो दोस्तों आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस बाहुबली के सेट को, क्योंकि हम सभी ने मोस्टली ये मूवी में ही देखा है, बट आज मैंने इसको लाइव देखा है कि कहाँ पर बाहुबली की शूटिंग हुई थी। और आई होप आपको पसंद भी आया होगा, और अगर आपको टाइम मिलता आप हैदराबाद आते हैं तो ये रामोजी फिल्म सिटी में ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आके आप वो चीज़ एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो कि शायद आपने मूवी में देखी है, बट जब आप उसको लाइव देखेंगे तो आप शायद वो चीज़ और ज़्यादा अच्छे से फील कर पाएँ कि हाँ कहाँ पर क्या चीज़ थी जब मूवी शूट हो रही थी उस टाइम पर। मैंने बहुत सारे फ़ोटोग्राफ भी लिए हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और जैसे कि आपको और क्लियर पिक्चर मिलेंगे कि यहाँ पर वो जो सारे सीन्स में जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। और सेट काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है और बहुत अच्छा बना हुआ है, नीट एंड क्लीन है, बढ़िया है, आप आ सकते हैं, आप आइए और बाहुबली लाइव एंजॉय कीजिए। सो दोस्तों ये था रामोजी फिल्म सिटी का स्टूडियो टूर, आई होप आपको पसंद आया होगा, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे रामोजी फिल्म सिटी का एको टूर, जिसमें कि आप देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी बर्ड्स, कई तरह की बटरफ्लाइज और बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन्स। और बिलीव मी दोस्तों, आपने आज तक इससे पहले इतनी वैरायटी के मकाओ पैरट्स एक ही जगह पर नहीं देखे होंगे। सो हमारा नेक्स्ट वीडियो भी देखना मत भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स।